Good morning, class. First class, this is your math workbook, and yesterday we have started chapter 3rd, addition. Okay, what's the chapter's name? Addition. So class, yesterday you have solved some question which are related to addition. Addition means whenever we add some numbers or some objects, then we get some extra. Okay, then we get the new number. किसी भी number में या किसी भी object में अगर हम कुछ add कर देते हैं तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी क्या होती है, वो बढ़ जाती है, ठीक ना, इंक्रीज हो जाती है. द नंबर एंड द आंसर विल बी इंक्रीज. ओके, सो यस्टरडे वी हैव सॉल्व पेज नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. सो द नेक्स्ट पेज दैट वी सॉल्व टुडे इज, यस, नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 22. क्वेश्चन इज राइट द मिसिंग नंबर न्यूमरल्स. ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन? राइट द मिसिंग न्यूमरल्स. न्यूमरल्स मीन्स नंबर्स और डिजिट्स. ओके, न्यूमरल्स और नंबर्स एक ही चीज़ है, उन दोनों का नंबर, उन दोनों का मतलब नंबर ही होता है, ठीक ना, डिजिट ही होता है. सो हियर देयर आर सम डिजिट्स और देयर आर सम नंबर्स आर मिसिंग. यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड देन कंप्लीट द मिसिंग स्पेस. ओके, मिसिंग नंबर्स. सो फर्स्टली देयर इज वन एंड हियर देयर इज अ स्पेस एंड हियर टू. सो व्हाट नंबर वी ऐड इन वन देन वी गेट टू. वन में हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि हमको आंसर में टू मिले? सो वी ऐड वन. ओके, वन प्लस वन इज इक्वल टू टू. ओके, हम वन में वन ऐड करेंगे तभी हमको टू मिलेगा. वन प्लस वन इज इक्वल टू टू. सो हियर यू विल फिल वन. नेक्स्ट इज स्पेस प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव. सो क्लास, व्हाट डू वी ऐड इन थ्री? देन वी गेट फाइव. थ्री में हम क्या ऐड करें जिससे हमको आंसर फाइव मिल जाए या टोटल फाइव हो जाए? यस, वेरी गुड, वी ऐड टू. टू प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव. नेक्स्ट फोर प्लस स्पेस इज इक्वल टू सेवन. सो क्लास टेल मी, व्हाट डू वी ऐड इन फोर टू गेट सेवन? फोर में हमको क्या ऐड करना होगा कि हमें सेवन आ जाए? यू कैन ऑल्सो यूज योर फिंगर्स. ओके, दैट द फर्स्ट नंबर इज फोर and you have to start counting on your finger or on your lines and stop till then you get 7. ठीक ना, एक नंबर जो भी हमारे पास है उसको क्या करना है, जो हमारा आंसर इस 4 में, हमको तब तक ऐड करते चलना है जब तक कि 7 ना आ जाए. ठीक, सो 4 के बाद 5, देन 6, देन 7. ओके, सो हाउ मच वी इंक्रीज 3 डिजिट्स, 3 नंबर्स. ओके, 4 से 7 आने में हमको कितना और आगे बढ़ना पड़ा? 3. ओके, 5, 6, 7, 3 डिजिट ना, 3 नंबर्स ना. सो हियर विल राइट 3. 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7. ओके, इसको फाइंड आउट करने का ये भी एक तरीका है कि जो भी आपके पास फर्स्ट नंबर है, ओके, उसको तब तक आगे काउंटिंग करते रहो जब तक कि तुम्हारा आंसर ना आ जाए. और जब आंसर आ जाए तो कितना नंबर आगे बढ़े हो वो नंबर यहाँ पर राइट कर सकते हो. सिर्फ 4 के बाद 5, 6, 7, थ्री नंबर्स आगे हम बढ़े ना. सो हियर विल राइट 3. 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7. नेक्स्ट डैश प्लस 1 इज इक्वल टू 9. ओके, सो फर्स्टली वी हैव 1 एंड स्टार्ट काउंटिंग टिल 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ओके, सो वी इंक्रीज 8 नंबर्स. 1 से 9 तक आने में हम कितना आगे बढ़े? 8 नंबर्स आगे बढ़े, है ना. सो हियर विल राइट 8. 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9. ओके, नेक्स्ट इज 1 प्लस स्पेस इज इक्वल टू 1. सो हियर ऑल्सो 1 एंड हियर ऑल्सो 1. सो इट मीन्स यू विल राइट हियर 0. 1 में हमने कुछ ऐड नहीं किया तभी ना मेरा आंसर सेम है, नहीं तो वो इंक्रीज होता. यस और नो? सो हियर विल राइट 0. नेक्स्ट इज 1 प्लस स्पेस इज इक्वल टू 3. सो स्टार्ट काउंटिंग 1, 2, 3. सो वी इंक्रीज 2 डिजिट. ओके, 1 के पास हम 2 स्पेस और आगे बढ़े तब ना 3 पहुंचा हमारा. यस और नो? सो हियर विल राइट 2. 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3. नेक्स्ट 5 प्लस डैश इज इक्वल टू 6. सो स्टार्ट काउंटिंग 5, 6. ओके, सो एक ही नंबर हम आगे बढ़े ना, ओनली 6. सो हियर विल राइट 1. 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6. नेक्स्ट 0 प्लस स्पेस इज इक्वल टू 4. सो स्टार्ट काउंटिंग 0. 1, 2, 3, 4. 4 नंबर ना, देन वी गेट 4. सो 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4. ओके, नेक्स्ट
6 plus space is equal to 8. So start counting. 6, we have 6, then 7, then 8. 2 digit na, we increase 2 digit. So here we'll write 2. 6 plus 2 is equal to 8. So clear class, how do this question? Okay, next question is, now problems on addition. Class, here there are some story sums. Okay, you have to read the stories, read these problems, and then solve the problems on addition, based on addition. Okay, यहाँ पे कुछ problems हैं, कुछ stories हैं, आपको समझनी है अच्छे से, and then solve the problem. So the first problem is, Megha has 5 sweets. Okay, firstly Megha has 5 sweets. How many sweets? 5 sweets. Then Sonal has 3 sweets. Okay, Megha has 5 sweets, Sonal has 3 sweets. How many sweets do they have all together? Okay, firstly you will write the first digit. Okay, Megha has 5 sweets, so firstly we will write 5. Then Sonal has 3 sweets, so here you will write 3. Okay, firstly you will write the first number, then you will write the second number. Okay, जो दो नंबर आपको ऐड करने हैं, तो सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर है 5 है ना, सो फर्स्ट यू विल राइट 5, देन सोनल हैज 3 स्वीट्स, देन यू विल राइट 3, एंड यू हैव टू राइट द टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स. ओके, दोनों लोग के पास मिला के कितने स्वीट्स हैं? सो 5 प्लस 3, 6, 7, 8 ना, सो 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8. ओके, नेक्स्ट इज, अली एट 2 इडलीज एट ब्रेकफास्ट. He ate 4 idlis at lunch. How many idlis did he eat altogether? So firstly, at breakfast, Ali ate 2 idlis. Okay? So firstly, we'll write 2. Then he ate 4 idlis at lunchtime. Okay? Lunchtime, he ate 4 idlis. So then you will write 4. Okay? Firstly, we'll write 2. Then you will write 4. And then add them. So 2 plus 4. 2, 3, 4, 5, 6. 6 na, so 2 plus 4 is equal to 6. Next, Sam has 5 balloons. Okay, he buys 2 more. How many balloons does he have now? So firstly, Sam has 5 balloons. How many balloons? 5 balloons. So firstly, we'll write 5. Then he buys 2 more balloons. Okay, पहले उसके पास 5 balloons हैं, उसके बाद उसने 2 more खरीद लिए, 2 और balloons खरीद लिए. Okay, so then you will write 2. 5 plus 2 is equal to 5, 6, 7. 7 na? So you will write here 7. 5 plus 2 is equal to 7. Next, Ankit has 5 rubbers. He buys 4 more rubbers. How many rubbers does he have now? So firstly, Ankit has 5 rubbers. How many rubbers? 5 rubbers. So firstly, you will write 5. Then he buys 4 rubbers more. Okay? 4 more rubbers. So firstly, you will write 5. Then you will write 4. And then add them. So 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so 5 plus 4 is equal to 9. Okay, next, there are 2 pencils. Okay, how many pencils? 2 pencils in one pocket. There are 2 pencils in one pocket and 2 in another. How many pencils are there in both the pockets? In the first pocket, 2 pencils. Okay, so firstly we'll add 2. And also in the second pocket, there are 2 pencils. Okay, so 2 plus 2 is equal to 4. 2, 3, 4. Okay, next, Neha bought 3 mangoes, she bought 2 apples. How many fruits does she have in all? So firstly, Neha bought 3 mangoes. How many mangoes? 3 mangoes. Yes, so firstly we will write 3. Then she bought 2 apples. How many apples? 2 apples. So here we will write 2. Then add them. So 3 plus 2, 3, 4, 5. 5 na? So 3 plus 2 is equal to 5. 5 fruits. Okay, total she has 5 apples. Next, Rohan gave 5 sweets to one boy. Okay, 5 sweets to one boy and 1 sweet to another. Okay, 5 sweets to one boy and 1 sweet to another boy. How many sweets did he give in all? So firstly, he gave 5 sweets. So here we will write 5. Then again, he gave 1 sweet to another boy. So here we'll write 1. So add them. 5 plus 1 is equal to 6. Okay? 5 plus 1 is equal to 6. So he gave 6 sweets to his friend. Okay?
So clear class, how to solve this question, which is based on problems, which is based on stories. Okay, so class here, this chapter second edition totally completed. Hope you all understood very well about all these sums, about how to add addition on the basis of numbers, digits, numerals, okay, problems, stories. So class, it's enough for the day. Thank you.